इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स लोक कला मंडल मधुबन उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, फिलहाल एक नजर अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। बुढ़ापे की लाठी समझकर जिस भतीजे को गोद लिया उसने ही हड़प लिया सब कुछ। शहर के अति रसूखदार कन्हैया लाल टाया की दर्द भरी कहानी ने किए रोंगटे खड़े। धर्मपुत्री बनी आखिरी सहारा। इस बार उम्मीदवार थोपा तो आका का भी निकाल देंगे जनाजा। उदयलाल डांगी के खिलाफ लामबंद हुए बल्लभनगर भाजपा के बाकी दावेदार। इशारों में भाई साहब पर कसे जमकर तंज। सहाड़ा उपचुनाव ने छीना भाजपा का सुख चैन। प्रभारी का ऑडियो वायरल होने के बाद खूब हुई किरकिरी। चिकित्सा विभाग ने पीतलिया के घर के बाहर चस्पा किया होम क्वारंटाइन रहने का नोटिस। और जिला परिषद की पहली बैठक में ही मीडिया को रखा गया दूर। गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती और जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर में हुई तीखी नोकझोंक। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अति रसूखदार वृद्ध की दुख भरी दास्तान की। औलाद नहीं होने के बाद अपने बुढ़ापे की लाठी समझकर एक अति रसूखदार शख्स ने जिसे गोद लेकर अपने बेटे की जगह दी, उसी बेटे ने पिता को विश्वास में लेकर दगा कर दिया और सारी चल अचल संपत्ति हड़प कर अपने नाम करवा दी। इतना ही नहीं, पिता के घर का बिजली कनेक्शन भी फर्जी हस्ताक्षर कर कटवा दिया। जी हाँ, ये कहानी है 104 साल के कन्हैयालाल नलवाया की। 3 साल पहले उनकी पत्नी दुनिया को छोड़कर चली गई और अब उन पर यह विपदा आन पड़ी है। जिस भतीजे को दत्तक पुत्र का दर्जा देकर सब कुछ दिया, उसकी दगाबाजी के बाद अकेले बेसहारा हुए वृद्ध की लाठी बनी धर्मपुत्री ही इन दिनों उनकी तीमारदारी में लगी हुई है। कन्हैयालाल नलवाया। एक जमाना था जब ब्लैक सिटी के अति रसूखदारों की सूची में श्री नलवाया का नाम आता था। उदयपुर के प्रतिष्ठित परिवारों में टाया परिवार शामिल रहा है। कन्हैयालाल का कई सामाजिक सरोकारों में अपनी सेवाएं देने में अग्रणी नाम भी रहा है। लेकिन अब एक सदी पार करने के साथ ही वह 104 साल के हो गए हैं। हालांकि अभी भी बिना लाठी के चल लेते हैं, बिना चश्मे के अखबार और किताब पढ़ लेते हैं। उम्र की इस दहलीज पर सब कुछ खो चुके कन्हैयालाल की पथराई आंखें उनका दर्द खुद ही बयां कर देती है। गोद लिए बेटे महेंद्र टाया द्वारा की गई इस धोखाधड़ी की रिपोर्ट शहर के भोपालपुरा थाने में भी दर्ज करवाई गई। पीड़ित कन्हैयालाल टाया ने उदयपुर न्यूज को अपनी पीड़ा बतानी चाहिए, पर उम्र के इस दौर में वह ज्यादा कुछ बोल नहीं सके और अपनी धर्म पुत्री मधु को अपनी पीड़ा बताने को कहा। जिन्होंने महेंद्र टाया द्वारा किए गए धोखे की हर वो बात बताई जिसे आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। कितनी उम्र आपकी? 104। आपके साथ किसने धोखा किया है? आपके साथ किसने धोखा किया? महेंद्र। क्या क्या धोखा आपके साथ? मेरे साथ का वो सब छीन लिया है। क्या क्या छीना आपसे? सब छीन लिया है। अब आपको क्या क्या चाहिए आपको? अब मेरे को रजिस्ट्री नहीं करा है। हाँ, बिजली कनेक्शन का हटाया। आपने साइन किए? उन्होंने किए? मेरे से साइन कराया। वो मेरे पास सब संपत्ति लेना चाह, मेरे से साइन कर रखे नहीं कर रहे। खुद ने कर लिए? हाँ, खुद ने कर। अच्छा। 18 वर्ष की उम्र में मैं यहाँ आई थी और यहाँ काका साहब का जो रोड नंबर 3 पर श्राविका आश्रम है, वहाँ पर हम 10-15 बहनें रहती थी, धर्म ध्यान करते थे। इनके भाई मोहनलाल जी के पुत्र श्रीमान महेंद्र जी टाया को 3 वर्ष की उम्र में गोद लिया था और हर पिता यही अपेक्षा करता है कि ये मेरा पुत्र है और मेरी सेवा करेगा। काका साहब ने पुत्र के दायित्व में कोई कमी नहीं करी और उन्होंने महेंद्र जी भाई साहब ने हमेशा काका साहब को और मेरे को प्रताड़ित, अपमानित, उपेक्षित और अपवाद लगाना। जब काका साहब की उम्र 90 वर्ष के थे और जब काका साहब ने यहाँ पंचकलाण कराया, उस समय में ही काकी जी और काका साहब ने दोनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया है। जब काका साहब की उम्र 45 से 50 वर्ष की उम्र रही होगी, तब यहाँ बाहुबली भगवान का पंचकलाण कराया था, उसमें दोनों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लिया। मैं धर्म बेटी हूँ, हम निर्दोष हैं, फिर भी इन्होंने हमारे को अपवाद लगाया और अपवाद लगाने का भी कारण यह रहा
कि मैं धन भी खा जाऊं, सेवा भी नहीं करूं और बदनामी करके बच जाऊं। कोई बात नहीं, उनके परिणामों का फल जो जीव जैसा करेगा वैसा ही फल भोगेगा। पर उन्होंने अपना पुत्र का दायित्व नहीं निभाया और आज भी कोई न कोई कारण से वो प्रताड़ित करते ही रहते हैं। समाज में, परिवार में, शादी ब्याह में, जहाँ देखो वहीं झगड़े। वहाँ काका साहब को शांति से नहीं जीने देते कि कहीं भी क्या इनको बुलाओगे तो मैं नहीं आऊँगा, इनको कार्ड मत दो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। कोई बात नहीं, प्रॉपर्टी में भी काका साहब को विश्वास में लेकर के उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी कराई, गिफ्ट डीड कराई और सेल डीड कर सब करा ली, वो सब करा ली, सब कुछ करा लिया, फिर भी काका साहब को शांति से नहीं जीने देते कि कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या, कुछ न कुछ, कुचर कुचर। फिर वो जो पावर ऑफ अटॉर्नी कराई, गिफ्ट डीड कराई, आपसी सहमति पत्र कराया, MOU कराया, उसको भी उन्होंने भंग कर रखा है। उसमें भी काका साहब को पारिवारिक न्यायालय, SDO और SP सबके चक्कर काटने पड़े 90 वर्ष की उम्र में, तो भी काका साहब को शांति नहीं मिली। और अभी भी ये अभी 19 जनवरी को काका साहब के नाम का इन्होंने, जब 20 वर्षों से इनकी बोलचाल नहीं है, तो काका साहब के नाम का ये आनंदीलाल जैन से स्टाम्प कैसे लेके आए, और फिर काका साहब के नाम से इन्होंने मीटर की एप्लीकेशन कैसे दे दी बिजली विभाग में, और 3 जगह पे इन्होंने साइन कैसे कर दिए, कन्हैयालाल। जब काका साहब 104 वर्ष की उम्र में इतने अच्छे साइन कर ही नहीं सकते, और अभी भी आप लोग बोलने की कह रहे हो, लेकिन इन्हें मानसिक इतनी पीड़ा है कि ये कहते हैं कि मैं समाज में कैसे अपनी बात कहूँ, मुझे शर्म आती है। मैं उद्योगपति रहा, मैं इतना समाज सेवी रहा, अब मैं मेरी बात कहूँ, मैंने तो विश्वास में आकर के इतनी प्रॉपर्टियाँ दे दी और इनको धक्का दिया और पलंग पे इनको गिरा दिया, और मेरे भी झपट मारी थी 2006 में, तो भी हम कुछ भी नहीं बोले कि चलो जाने दो, होगा। पर अब ये मीटर कटवा दिया तो अब बोलना पड़ रहा कि अब आखिर ये कब तक। और समाज में ऐसा अन्याय किसी भी वृद्ध के साथ नहीं होवे, मेरी हमेशा ये भावना रही कि मैं काका साहब को तन मन धन से मैं सेवा कर रही हूँ। मेरा पूरा परिवार लगा हुआ, मेरे भाई, मेरी भौजाइयाँ, मेरे मिलने जुलने वाले, मेरे डॉक्टर सबसे बड़े मेरे हितेशी डॉक्टर मुकेश बड़जात्या, डॉक्टर RL सुमन, डॉक्टर आसित मित्तल, डॉक्टर ये अलख नयन मंदिर वाले झाला साहब, आँखों के लिए तैयार रहते हैं, कभी भी कोई तकलीफ हो तो आधी रात में भी इन सब लोगों की बहुत सेवाएं रही और आज भी ये सब लोग सेवा कर रहे हैं। पुलिस में मामला दर्ज करवाया आपने? और यहाँ हमने भोपालपुरा थाने में FIR दर्ज करवाई कि काका साहब के नाम का फर्जी कनेक्शन, इन्होंने फर्जी हस्ताक्षर करके कनेक्शन कटवा दिया, और पता नहीं अब ये कब लाइट बंद कर दें तो काका साहब को तकलीफ होगी, इसलिए आप लोग सब मिल करके। हम राजीव पचार से मिले हैं तो उन्होंने कहा बाबा साहब आपको तकलीफ नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत रहो, आपका कनेक्शन भी होएगा, आपकी लाइट बंद नहीं होगी, आप चिंता ना करें। अब आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि जो काका साहब के साथ अन्याय हुआ है, उस अन्याय की व्यक्ति को कर्म के फल की सज़ा मिलना चाहिए, ताकि समाज में ये संदेश पहुँचे कि कोई भी धन के मद में आकर के किसी भी वृद्ध के साथ अन्याय नहीं करे। अरे आज काका साहब की बदनामी करके प्रसिद्धि नहीं मिली, काका साहब के उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के चलते तो लोग दाद देते कि अरे पुत्र हो तो ऐसा हो, आज मैं सेवा करती हूँ तो लोगों को ये मन में लगता है कि हाँ मधु दीदी सेवा कर रहे, तो आज उंगली पकड़ के चलने में जो आनंद आता है वो बदनामी करने में आनंद नहीं है। उदयपुर जिले की सबसे हॉट मानी जाने वाली बल्लभनगर विधानसभा सीट में उपचुनाव की तारीख तो अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन भाजपा की ओर से उम्मीदवार अपनी ताकत दिखाने में पीछे नहीं है। जब से जनता सेना का उद्भव यहाँ पर हुआ है, भाजपा के हालात किसी से छुपे हुए नहीं है। महाराज की लोकप्रियता से भाजपा के नेता दबे जा रहे हैं। मोदी लहर में भी जमानत जब्त करवाने वाली भाजपा को खड़ी करने वाला तक कोई नहीं है। चर्चाएं आम तो यह भी है कि भाई साहब के इशारे पर इस बार भी सब कुछ हुआ तो भाजपा फिर तीसरे पायदान पर चली जाएगी। दिन प्रतिदिन यहां के जमीनी स्तर से जुड़े नेता अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, ऐसे में इस बार वल्लभनगर की राजनीति में नया मोड़ आता दिख रहा है। कल तक जो उम्मीदवार अलग अलग प्रचार में जुटे थे, आज वह 4 उम्मीदवार एक मंच पर आकर पूर्व प्रत्याशी उदयलाल डांगी का नाम लिए बगैर ही जमकर हमला करते हुए भाजपा नेताओं के सामने शक्ति प्रदर्शन के रूप में अपनी बात रख रहे हैं। वहीं इस बार अपने आका से भी आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हो चुके हैं। रविवार को उदयपुर जिले के कालोड़ कस्बे में हुई 4 दावेदारों की बैठक में वक्ताओं ने यहां तक कह दिया कि अब थोपे हुए उम्मीदवार को सहन नहीं करेंगे।
जमीन से जुड़े कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया तो नेताओं का जनाजा निकालेंगे, चाहे हारना ही क्यों ना पड़े। और हम उसके पीछे चल पड़ेंगे, नहीं चलेंगे हम उनके पीछे, तुम थोप दोगे वो। थोपा हुआ नेता नहीं चाहिए हमके बीच का, हमारी जाजम का व्यक्ति चाहिए। और जब तक जाजम की व्यक्ति के लोग को टिकट नहीं दोगे तब तक वल्लभ नगर में ये हाल होती रहेगी। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो ऊपर से बैठ कर टिकट दोगे, इसलिए उनका भी जनाजा निकालना जो गलत टिकट देते हैं। इस बार होते कौन है, वो ऊपर बैठ करके हमको बिना पूछे टिकट थोप देते हैं। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को निर्णय लेना पड़ेगा कि जो हम चाहेंगे वो होगा, तुम चाहोगे वो नहीं होगा। केवल इतना ही निर्णय और इतना ही निवेदन है, हम सभी अगर एकजुट रहे तो दुनिया की कोई भी ताकत होगी हमारे पास आना पड़ेगा। जय भारत दोगे और हम उसके पीछे चल पड़ेंगे, नहीं चलेंगे हम उनके पीछे, तुम थोप दोगे वो। थोपा हुआ नेता नहीं चाहिए हमके बीच का, हमारी जाजम का व्यक्ति चाहिए। और जब तक जाजम की व्यक्ति के लोग को टिकट नहीं दोगे तब तक वल्लभ नगर में ये हाल होती रहेगी। उनका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो ऊपर से बैठ कर टिकट छोड़ देंगे, इसलिए उनका भी जनाजा निकालना जो गलत टिकट देते हैं। इस बार होते कौन है, वो ऊपर बैठ करके हमको बिना पूछे टिकट छोड़ देते हैं। इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को निर्णय लेना पड़ेगा कि जो हम चाहेंगे वो होगा, तुम चाहोगे वो नहीं होगा। केवल इतना ही निर्णय और इतना ही निवेदन है, हम सभी अगर एकजुट रहे तो दुनिया की कोई भी ताकत होगी हमारे पास आना पड़ेगा। तो देखा आपने इस बार वल्लभ नगर भाजपा में चुनाव से पहले ही कितना उबाल है। भाजपा के अंतर्कलह में जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर को पूरा लाभ होता दिख रहा है। उनकी पार्टी इस बार फिर से अपना वर्चस्व दिखा सकती है। क्या फिर जनता सेना और भाजपा के कलह में कांग्रेस सब पर भारी रहेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। रविवार को कानोड़ की केसर वाटिका में भाजपा का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में जमकर राजनीति का खेल हुआ। हर बार विधानसभा चुनाव में टिकट की दौड़ में प्रबल दावेदारी जताने वाले भाजपा नेता आकाश वाघरेचा ने विवाद से दूर रहकर कहा कि हमें मिलजुल कर भाजपा को मजबूत करना होगा, वरना वल्लभ नगर विधानसभा नेताओं की प्रयोगशाला बना रहेगा। आज हम चार में से किसी को भी टिकट मिलता है तो साथ रहकर भाजपा को जिताएंगे। भाजपा नेता महावीर बया ने उदयलाल डांगी का नाम लिए बगैर कहा कि जिस व्यक्ति ने जनता सेना के साथ मिलकर भाजपा की जमानत जब्त करवाई, आज वह व्यक्ति हारकर फिर से टिकट मांग रहा है। मूल जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को पार्टी अगर टिकट देती है तो वल्लभ नगर भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। पूर्व प्रधान मोहन मेनारिया ने भाजपा नेता डांगी पर निशाना साधा और कोई गलत फहमी में नहीं रहे कि 15 दिन में 47,000 वोट ले आए, निर्दलीय लड़कर देख लो कितने वोट मिलते हैं। किसी मामूली कार्यकर्ता को टिकट मिलता तो 50,000 से अधिक वोट लाते। अब भी मूल विचारधारा के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया तो पार्टी बुरी तरह से हारेगी। मिनारिया ने कहा कि हम नेताओं के बंधुआ मजदूर या गुलाम नहीं हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि किसी को भी हम पर थोप दो और हम उसके साथ चल पड़े। इस बार उन नेताओं का भी जनाजा निकालेंगे जो गलत टिकट देते हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं आकाश वाघरेचा, अनिल शर्मा और महावीर बयाने उदयपुर न्यूज के सहयोगी अशोक श्रीमाली से हुई खास बातचीत में क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी वल्लभ नगर के हम चारों ही दावेदार ललित जी भाई साहब, धन जी भाई साहब और महावीर जी भैया और मैं स्वयं आकाश वाघरेचा साथ मिलकर दावेदारी इसलिए कर रहे हैं कि जिससे भारतीय जनता पार्टी में किसी भी प्रकार का कार्यकर्ताओं में बिखराव ना आए। जिस प्रकार की वल्लभ नगर की स्थिति है वहाँ पर हम अगर सभी मिलकर साथ में चलेंगे तो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, कार्यकर्ताओं में बिखराव कम आएगा और वल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी जीत सके, इसी की सोच के साथ हमने ये निर्णय किया कि हम सभी साथ में मिलकर दावेदारी करेंगे। जिसको भी टिकट मिलेगा तन मन धन से सब साथ में रह के भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। अगर विधानसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सशक्त रूप से बनकर के उभरेगी, परंतु पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे कार्यकर्ता को जो पार्टी का मूल कार्यकर्ता हो और पार्टी की विचारधारा और रीति नीति के साथ में चलता हो और विचार परिवार से जुड़ा हुआ हो, ऐसे कार्यकर्ता को यदि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से टिकट दे करके देगी तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से यहाँ से विजय श्री प्राप्त करेगी और विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक पहुँचेगा। और हर बार होता क्या आया है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से कार्यकर्ता उम्मीदवार को ढूंढ के लाती है और उसको टिकट दे देती है, परंतु वो जीतने में कामयाब नहीं हो पाता है। हम तो यूँ चाहते हैं वल्लभ नगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कि मूल विचारधारा के व्यक्ति को टिकट दिया जाए और उस
को सभी कार्यकर्ता मिलकर के हम उसको जिता करके वल्लभ नगर विधानसभा से राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। जय भाजपा जय। संगठन से अपनी दावेदारी कर रहा हूँ तो ये मेरा हक है, क्योंकि जब प्रथम बार सुंदर सिंह जी भंडारी यहाँ से लोकसभा का उपचुनाव लड़े तब से मैं संगठन का काम कर रहा हूँ। याद है मुझे उस वक्त के जब मैं पहली बार किसी बूथ पर पार्टी के लिए वोट मांगने गया तब भंडर के ही एक कांग्रेसी युवा द्वारा मेरे ऊपर चाकू से हमला किया गया। उसके बाद लगातार मैं राजनीति में सक्रिय हूँ। लगभग 5 से 6 केस पार्टी के नाम से मेरे ऊपर आज दिन तक लगे और एक बार तो 14 दिन से मेरी जमानत हुई। जब 2002 में भिंडर में वीडियो कांड हुआ, शिक्षकों के लिए हमने आंदोलन किया, तब मेरे ऊपर 3PD एक्ट, आदरणीय गुलाब सिंह जी शक्तावत जब गृह मंत्री थे तब मेरे ऊपर 3PD एक्ट लगा और मैं 14 दिन तक फरारी काटते हुए 15वें दिन मेरी जमानत हुई। उसके पश्चात भिंडर हॉस्पिटल में समस्याओं को लेकर मैंने भिंडर हॉस्पिटल के कमरे पर ताला लगाया, उसके लिए मुझे प्रताड़ना झेलनी पड़ी। 32 KV के उद्घाटन खरसाण में जब चंद्रभान इस राज्य के ऊर्जा मंत्री थे तब हमने बिजलियों का विरोध किया था, बिजली दरों को के बढ़ाने के विरोध में। मैं एक दिन खेरोदा जेल में बंद रहा। मैंने अनेक संघर्ष इस पार्टी के लिए किए। उसके बाद 2010 में मैंने भिंडर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से डायरेक्ट जो चुनाव होता है चेयरमैन का, जो एक ही बार हुआ, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी के सामने ताल ठोक कर बहुत अच्छी तरह से मैंने चुनाव का संचालन किया। ठीक 2013 का बात आए, मैंने उस समय भी संगठन से मेरा टिकट की मांग की, संगठन ने मुझे नहीं दिया। कोई बात नहीं, संगठन सर्वोपरि है, आदरणीय है, लेकिन उस वक्त भी अगर संगठन एक छोटे से कार्यकर्ता को टिकट देती, मूल पार्टी के कार्यकर्ता को अगर टिकट देती तो निश्चित रूप से कुछ परिणाम अलग होते। 2015 के बाद मैंने लगातार इस तहसील में लगातार दौरे किए, 144 गांव जाकर घर घर ढाणी ढाणी 90,000 लोगों से फेस टू फेस मैंने मुलाकात की, उन लोगों को पार्टी का चेहरा बताया, पार्टी को फूल बताया, गांव गांव गया। उसके पश्चात भी 2018 में मुझे संगठन ने टिकट योग्य नहीं समझा, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद 2021 में संगठन मेरी बात सुने, एक मूल कार्यकर्ता को टिकट दे, जो एक मूल भारतीय जनता पार्टी में ही पार्टी से आया हुआ व्यक्ति अगर यहाँ वल्लभ नगर में चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से संगठन को फायदा होगा, संगठन का नाम रोशन होगा और एक राजनीतिक स्थिर तो चाहती है यहाँ की जनता, जो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। राजनीतिक स्थिरित्व के लिए हर व्यक्ति, हर तहसीलवासी, चाहे वो किसी भी दल का हो, लेकिन राजनीतिक स्थिरित्व इस तहसील को नई दिशा दे। ये एक राजनीतिक स्थिरित्व से इस तहसील का विकास होगा, कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं को लगेगा कि हमें जिस नेता की जरूरत है, एक स्थायी नेता की जरूरत है, वो नेता यहाँ इस पार्टी का नेतृत्व करे। संगठन का निर्णय सर्वोपरि है, संगठन जो भी आदेश देगा उसकी पालना होगी। प्रदेश में लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में लेक सिटी में पेट्रोल पंप एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आगामी 10 अप्रैल को उदयपुर जिले के सभी पेट्रोल पंप सांकेतिक रूप से बंद रहेंगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आसपास के सभी राज्यों में डीजल और पेट्रोल की रेट काफी कम है, जबकि राजस्थान में काफी ज्यादा है। दूसरे राज्यों से पेट्रोल डीजल सस्ता होने के कारण ट्रांसपोर्टर्स और पर्यटक अपने वाहनों को टैंक वहीं से फुल करवा देते हैं और राजस्थान में उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। इस वजह से सभी पेट्रोल पंप संचालकों का व्यापार कम हो गया है। बैठक के दौरान सभी ने मांग की है कि सरकार तुरंत प्रभाव से डीजल पेट्रोल पर वैट टैक्स को कम करे, ताकि लोग डीजल पेट्रोल अन्य राज्यों से न भरवा कर राजस्थान से भी भरवा सके। राजस्थान में जो सीमावर्ती राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, अपना चाहे उत्तर प्रदेश लें, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में राजस्थान से अधिक रेट है। राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, बावजूद वहां पर दर कम है और यहां पर ज्यादा है। गुजरात में भी यहां से पेट्रोल 10 रुपए सस्ता है और डीजल लगभग 3 रुपए सस्ता है। अच्छा, हरियाणा में क्या स्थिति है? हरियाणा में पेट्रोल और डीजल दोनों लगभग 8 से 10 रुपए सस्ता है और यही चीज अगर गणना हम राजस्थान के
हनुमानगढ़ और इससे करें तो 12 रुपए तक चली जाती है गणना। क्या कारण है कि राजस्थान में पेट्रोल डीजल की रेटें ज्यादा हैं? राजस्थान ने जो कोरोना काल में 3 बार वेट की दरें बढ़ाई थी और उस वजह से अन्य राज्यों से जो वेट है वो राजस्थान में बहुत अधिक हो गया है और बाद में कोरोना समाप्त होने के पश्चात भी। आपकी उदयपुर की जो एसोसिएशन है पेट्रोल डीजल की, आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम राजस्थान की जो पूरी एसोसिएशन है, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन, वह सब चाहते हैं कि राजस्थान की जो वेट की दरें हैं पेट्रोल और डीजल की वह कम की जाए। जो अवैध बायोडीजल की बिक्री हो रही अगर है वेट तो और बंद की जाए। वेट की दरें अगर कम कर दी जाती है तो कितना फर्क राजस्थान की जनता को पड़ेगा पेट्रोल डीजल में? हर आम आदमी को इसका फर्क पड़ेगा क्योंकि हर कम की जाए जो अवैध बायोडीजल की बिक्री हो रही अगर है वेट तो और बंद की जाए। वेट की दरें अगर कम कर दी जाती है तो कितना फर्क राजस्थान की जनता को पड़ेगा पेट्रोल डीजल में? हर आम आदमी को इसका फर्क पड़ेगा क्योंकि हर व्यक्ति आज पेट्रोल और डीजल के बिना नहीं चल पाता है। ये पेट्रोल डीजल के राजस्थान में भाव बढ़ने की वजह से आपके पेट्रोल पंप पर भी असर पड़ रहा होगा, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो उदयपुर जिला है वो लगभग देखिए एक तरफ गुजरात से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है, दोनों सीमावर्ती जिले हैं और इस वजह से जो बॉर्डर से आने वाले जितने भी वाहन हैं सभी वहीं से डीजल भरवा कर आते हैं, पेट्रोल भरवा कर आते हैं इस वजह से, और जो यहाँ के वाहन है वो भी वहाँ भरवा के जाते हैं, मतलब यहाँ से खाली जाते हैं वहाँ भरवाते हैं, इस वजह से बहुत हमारी सेल कम हो गई है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अगर किसी के ज्यादा व्हीकल है तो उसको ज्यादा फर्क पड़ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ये बात सही है कि जिसके ज्यादा व्हीकल है या ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरा प्रभावित हो रहा है, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से आम आदमी आम उपभोक्ताओं की हर चीज पर फर्क पड़ रहा है। आप आज की इस मीटिंग के माध्यम से सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं? हम सरकार को एक चेतावनी देने के लिए मीटिंग करी है, हमने घोषणा करी है कि हम आगामी 10 अप्रैल को सांकेतिक रूप से उदयपुर जिले के, हमारी एसोसिएशन उदयपुर जिले के सारे पेट्रोल पंप बंद करवा रही है, हम सब हड़ताल के रूप में बंद करेंगे। भाजपा के बागी निर्दलीय लादूलाल पितलिया ने चुनावी मैदान क्या छोड़ा, दो ऑडियो और एक लेटर बम के बाद अब भाजपा और कांग्रेस पितलिया को लेकर तू डाल डाल में पात पात की कहावत को चरितार्थ करते हुए चुनावी चौसर पर शह और मात के खेल में भाजपा और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं पितलिया तो मान गए मगर इनके समर्थक कैसे मानेंगे। रायपुर के ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भवानी सिंह ने लादूलाल पितलिया के आवास पर राजस्थान एपिडेमिक डीजीजीजे एक्ट में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर कोरोना गाइडलाइन के अनुसार आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक के 15 दिनों के होम क्वारंटाइन आदेश को चस्पा कर दिया, जिससे पितलिया अपने घर में रहें और भाजपा का प्रचार न कर सके। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा पितलिया के चुनावी मैदान में रहने और न रहने से चुनावी परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने का दावा कर रहे हैं। पिछले चुनाव लड़ने में हमारे कांग्रेस का कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, वो बीजेपी का आंतरिक मामला है, वो क्यों तो बीजेपी में मिला, क्यों बीजेपी ने उसको टिकट देने की और क्यों फार्म भरार क्यों उठाया, ये उनका आंतरिक झगड़े का मामला है, इसलिए हमारे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस में, क्योंकि कोई भी निर्दलीय चुनाव लड़ता तो किसी एक पार्टी के वोट नहीं ले जाता, वो दोनों पार्टियों में ले जाते हैं, हमारे वोट हमको मिलेंगे उनके वोट उनको मिलेंगे। पितलिया के जो वोट है वो ज़्यादा परसेंटेज में हमारी ओर झुका होगा क्योंकि पितलिया के वो वोट है जो भाजपा से नाराजगी के वोट है, तो नेचुरल वोट कांग्रेस को आएंगे कि पितलिया के फार्म उठाने से हमें फायदा होगा। कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं? कांग्रेस को क्या नुकसान है, जो बीजेपी को वोट नहीं दे रहा वो तो पितलिया को दे रहा है, तो वो हमको देगा और उसका जो मतदाता जो बीजेपी के खिलाफ है तो नेचुरल है कि वो हमी को वोट मिलेगा। तो कांग्रेस के लिए तो अच्छा है इसका फॉर्म उठाना? हमारे लिए तो पितलिया से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमको तो फायदा ही मिला कि बीजेपी का विरोध का वोट जो पितलिया को जा रहा था हमारे को मिलेगा, इसलिए हम ज्यादा मतों से चुनाव जीते। भाजपा ने कांग्रेस को मात देते हुए पहले लादूलाल पितलिया को भाजपा मुख्यालय पर बुलाने में सफलता पाई और फिर उनसे भाजपा के पक्ष में कार्य करने के लिए कहलवाया। वहीं इन सबसे अलग पितलिया समर्थकों ने एक बैठक पर पितलिया के नाम वापस लेने पर आक्रोश जताते हुए भाजपा और कांग्रेस को वोट न देकर नोटा का प्रयोग करने की शपथ ले डाली। राष्ट्रहित के लिए काम करता रहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आदर्शों का पालन करता रहूंगा, भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है और सहारा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी जो भी दिशा निर्देश देगी उनका पालन करूंगा और सारा विधानसभा क्षेत्र में जनसेवक बनकर काम करते रहूंगा। चिट्ठी जो आई है वो मेरी राइटिंग। ये सभा श्रीमान हमारे प्रत्याशी का
लोकतंत्र की हत्या हुई है, प्रत्याशी को दबाया गया है, उनके कर्नाटक में जो व्यापार है उसको बंद किया गया है, उसके भाई भतीजे को कैद किया गया है और परेशान किया गया। परेशान होकर के उन्होंने जो निर्दलीय हमारे प्रत्याशी थे लादूलाल जी पीट लिया, उन्होंने अपना फार्म वापस उठाया है। इसके लिए हम खफा हैं, हम दुखी हैं, क्योंकि हर पार्टी में जातिवाद चलता है, इसको हमें बंद करना है, इसलिए हम उनका समर्थन कर रहे थे। ऐसे प्रत्याशी को अगर हम ना ला पाए तो क्या करेंगे बताइए श्रीमान, कि इस प्रकार से अगर चलता रहा तो इस साढ़ा विधानसभा क्षेत्र का क्या होगा। आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन में क्या कर रहे हैं? हम नोटा पे वोट देंगे, नोटा पे जाएंगे, उनको बताएंगे, सरकार को भी मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से विरोध किया गया, कि कितनी जनता नोटा को चाहती है, कितनी जनता प्रत्याशी चाहती है। नोटा का लक्ष्य भी लगा, कितना लक्ष्य? 21,000 का हमारा लक्ष्य है और इससे भी आगे ले जाएंगे इसको और पुनः चुनाव कराएंगे, ये हमारा लक्ष्य है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहाँ आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटीज। होली के शुभ अवसर पर अजय फर्नीचर पर विभिन्न तरह की पिचकारियाँ, हर्बल गुलाल व आकर्षक होली मास्क उपलब्ध है। होली विशेष ऑफर 500 की खरीद पर 2 होली मास्क फ्री। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना को जड़ से मिटाने के लिए अब उदयपुर के सभी सामाजिक संगठन आगे आए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को क्षत्रिय महासभा की ओर से भी बीएन कॉलेज के कुंभा हॉल में कोरोना वैक्सीनेशन का कैंप आयोजित किया गया। कैंप में महासभा की ओर से 45 वर्ष से ऊपर करीब 250 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया। कैंप में आए लोगों ने वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह दिखाई दिया। नमस्कार, यादवेंद्र सिंह रालावता। जैसा कि सर्वविदित है, कोरोना महामारी एक बार फिर उग्र रूप से फैलती जा रही है और सभी समाज संगठन इसकी रोकथाम के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मेवाड़ की तरफ से भी हमने आज यह शिविर का आयोजित किया है, जहां सभी जरूरतमंदों को जो कि 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं उनको निःशुल्क टीकाकरण व्यवस्थाएँ हो रही है। तो यही हमारा प्रोग्राम है आज का। कितने लोगों को तकरीबन हम टारगेट कर रहे हैं? 200 से 250 लोग आज टीकाकरण यहाँ करा के जाएंगे। कोरोना काल के दौरान शहर के ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी हो गई है, ऐसे में जरूरतमंदों तक ब्लड समय पर पहुंच सके, इसके लिए विभिन्न समाज और संगठन अब आगे आ रहे हैं और ब्लड कैंप के माध्यम से ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को द उदयपुर पोस्ट प्रोडक्शन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्रथम बार जिला स्तरीय फोटोग्राफी रक्तदान शिविर निम्बार्क कॉलेज में रखा गया। इस कैंप में फोटोग्राफी से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इस कैंप में 101 यूनिट रक्तदान रखने का लक्ष्य रखा गया। सोसाइटी के पदाधिकारी ने बताया कि जरूरतमंदों तक ब्लड समय पर पहुंच जाए, यही सबसे बड़ी समाज सेवा है। सोसाइटी समय समय पर इस तरह के सामाजिक आयोजन करती है, इस बार भी ब्लड डोनेशन का कैंप रखा गया। आज उदयपुर वेलफेयर सोसाइटी ने रक्तदान का कार्यक्रम रखा, गत महीने भर पहले क्रिकेट का टूर्नामेंट रखा। फोटोग्राफर जो हैं हम सब, हम क्या है कि 30 साल से लगभग सभी कार्यक्रमों का कवरेज करते हैं, तो हमारे मन के अंदर भावना आई कि हम भी कुछ मतलब देश सेवा या समाज सेवा में, आज जो महामारी के रूप में जो बीमारी चल रही है उसमें हमारे फोटोग्राफर को के ब्लड दे के हम अन्य लोगों की जान बचाने में हमारी भी भूमिका सहायक हो गए, इसलिए हमने आज इस रक्त ब्लड का काम कार्यक्रम किया है और हमें पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी फोटोग्राफर भाई सब परिवार सहित आए हैं यहाँ पर और अपना ब्लड दिया है। सभी फोटोग्राफर भाइयों की यही तमन्ना है कि हमारे ब्लड से किसी की जान बच सके। आज अच्छे अच्छे पैसे वाले या धन दौलत कोई काम नहीं आ रही है, सबसे बड़ी मानवता ही काम आती है, यही हमारी सोच है। जिला परिषद की साधारण सभा की पहली बैठक सोमवार को हुई। इस बैठक में सबसे कम उम्र की जिला प्रमुख ममता कुंवर के नेतृत्व में इस बोर्ड की पहली बैठक जिला परिषद सभागार में हुई। बैठक के दौरान जिले भर के जनप्रतिनिधि शामिल हुए तो वहीं जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक के दौरान CMHO डॉ. दिनेश खराड़ी ने जिले भर में कोरोना को लेकर जानकारी दी तो वहीं जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के मुद्दे उठाए। जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में जिला प्रमुख ममता कुंवर की अध्यक्षता में कलेक्टर चेतन देवड़ा, जिला परिषद CEO डॉ. मंजू, सांसद अर्जुनलाल मीणा, विधायक फूल सिंह मीणा, खेरवाड़ा विधायक दयाराम परमार, दरियावत विधायक गौतम लाल मीणा, सलुम्बर विधायक अमृतलाल मीणा, कोगुंदा विधायक प्रताप गमेती, झाड़ोल विधायक बाबूलाल खराड़ी सहित जिला परिषद सदस्य प्रधान मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में जिले के विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा हुई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने जनता से जुड़ी समस्याओं को उठाया और जल्द से जल्द इनके समाधान की मांग रखी। वहीं बैठक के दौरान वार्ड 2 की जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर ने इलाके में हो रहे भ्रष्टाचार की बात कही तो गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती उनसे उलझ पड़े।
कुछ देर तक तो दोनों के बीच में जमकर हंगामा भी हुआ। बैठक काफ़ी अच्छी रही जिला परिषद की। आज सभी विकास के मुद्दों पर चर्चा रही, सभी विभाग के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। मेरी तीखी नोकझोंक लास्ट में पंचायत राज विभाग की गोगुंदा ग्राम पंचायत की मैंने जांच के लिए सीओ मैडम से बात करी थी। उस दौरान मैंने सीओ मैडम को जांच के कागज़ दिए तो सीओ मैडम कह रही इतनी सारी जाँचें आप एक साथ दे रहे हो। मैं कहा मैडम मैं दे चुकी, प्रभारी मंत्री को दे चुके, हम कलेक्टर साहब को दे चुके हैं, अब आपको भी देना हमारा फर्ज है। अब हम यहाँ के सीओ अधिकारी हैं इसलिए। तो बीच में वो गोगुंदा के एमएलए प्रताप गमेती जी मेरे से डायरेक्ट नोकझोंक करने लगे तो मैं कहा महिलाओं से ज़्यादा शौक है क्या बात करने का आपको? पहले पूर्व में आप एमपी की महिला के साथ काफ़ी कांड कर चुके हैं, बलात्कार के केस आपके ऊपर लगे हैं, फिर आप दोनों का सेटलमेंट हुआ, फिर उसने केस उठाया। मैं महिलाओं से क्यों मुँह लगते हो? मैं मेरा क्षेत्र का काम कर रही हूँ, आप अपना काम करो, मैं मेरे जाँच करवा रही हूँ तो जाँच होगी, अगर आप उसमें होंगे दोषी तो सामने आ जाएगा। और सब मिली भगत है इन लोगों की, जब इतना बड़ा 1.5 करोड़ रुपए का इन्होंने घोटाला किया है तो सब सचिव उसमें है, सरपंच उसमें है, एमएलए है, प्रधान है, सारे इसमें पूरी कड़ी जुड़ी हुई है और वो सारी पूरी पोल खुलेगी। शहीद शांतिलाल मेहता और आनंदीलाल खेड़वा की पुण्यतिथि पर सोमवार को दहली गेट चौराहे पर शांति आनंदी स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें कलेक्टर चेतन देवड़ा, समिति संयोजक पंकज शर्मा, उप महापौर पारस सिंह भी सहित दर्जनों प्रबुद्ध जन मौजूद थे। कार्यक्रम के शुभारंभ में दोनों शहीदों की प्रतिमा पर पुष्पांजलि कर उन्हें नमन किया गया। इस दौरान अमर शहीदों के परिवार से जुड़े सदस्य भी मौजूद रहे। इस मौके पर शहीदों के इतिहास पर वक्ताओं ने विचार रखे तो वहीं उनके द्वारा किए गए कामों को याद कर प्रेरणा लेने का प्रण लिया गया। इतिहास इस स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा क्योंकि ये मेवाड़ी था जिसने सर्वप्रथम देशी रियासतों के एकीकरण में अपना पहला कदम उठाया और यहाँ के महाराणा को इस बात का संकेत दे दिया कि वे इस बात में पहल करें कि अखंड भारत, एक भारत का निर्माण हो। और हमारे महाराणा साहब ने सबसे पहले उदयपुर रियासत को भारत के एकीकरण में शामिल करवाया और तत्कालीन गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी मेवाड़ के इस मान को पूरे देश में, विश्व में रखने के लिए वे स्वयं यहाँ आए और उन्होंने इसकी घोषणा की। इस आंदोलन में भाई शांति जी, आनंदी जी शहीद हो गए, आदरणीय गुलाब सिंह जी शक्तावत का पांव कट गया। इसी तरह से जैन समाज के और भी कई युवा बंधु हमारे इसमें शहीद हुए। आज का दिन वो पवित्र दिन है जब हम उनको नमन करके और इस स्मारक को भव्य रूप देने के लिए समाज से, सरकार से हम प्रार्थना करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह एक प्रेरक स्मारक बन सके। धन्यवाद। आज इस दिल्ली गेट चौराहे पर ऐतिहासिक जगह 5 अप्रैल 1948 को हमारे देश के दो महान सपूत शांति जी, आनंदी जी और शांतिलाल जी मेहता साहब शहीद हुए। देश प्रदेश और मेवाड़ वासियों के लिए गौरव की बात है। हर साल इस प्रोग्राम को हर राजनीतिक दल, गैर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से मनाता है क्योंकि पूरा देश, पूरा राष्ट्र महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के हमारे प्रदेश के संयोजक और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का निर्देश था कि जहाँ जहाँ स्वतंत्रता सेनानी के परिवारजन हैं उनका सम्मान किया जाए। उनसे प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के बैनर तले हमने आज ये पुष्पांजलि का प्रोग्राम रखा। आने वाली पीढ़ियाँ इससे प्रेरणा लेंगी क्योंकि साथियों ये दिल्ली गेट चौराहा एक ऐतिहासिक जगह है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे जिला कलेक्टर महोदय चेतन जी देवड़ा साहब पधारे, हमारे मेवाड़ के सपूत आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, समाज सेवी गोपाल शर्मा जी, विष्णु शर्मा जी, हितेशी साहब, हमारे लोकप्रिय महापौर साहब, समाज सेवी पारस जी सिंह जी साहब पधारे, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ और पत्रकार मित्रों से निवेदन करता हूँ के जयंती ये पुण्यतिथि वर्ष हम हर साल महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के बैनर तले मनाएंगे। और जो इनकी जन्मतिथि है अभी अगस्त में भी आ रही है और अक्टूबर में भी आएगी, उसको भी हम महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के बैनर तले सभी राजनीतिक दलों के और सामाजिक दलों के कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ियाँ इस दिल्ली गेट चौराहे पर शांति जी और आनंद जी की मूर्ति से प्रेरणा लें और देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता रखें।
आदरणीय पार्वती सिंह साहब से भी निवेदन करूंगा कि 5 अप्रैल 1948 शांति जी और आनंद जी की उस दिन शहादत हुई थी। पूरा दोनों ही समाज के प्रतिनिधिगण आज यहाँ पर पुष्पांजलि करने के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। निश्चित रूप से सभी संस्थाओं के द्वारा और विशेष रूप से आज जो ये कार्यक्रम रखा गया है, मैं उनको भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय कटारिया साहब इस कार्यक्रम में पधारे, आदरणीय गोपाल जी शर्मा इस कार्यक्रम में पधारे, पंकज जी ने ये कार्यक्रम आज देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और महात्मा गांधी के 150 वर्षों का ये पूरा वर्ष इस कार्यक्रम के निमित्त कर रहा है। पंकज जी ने ये कार्यक्रम किया, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। 2 साल पूर्व जब सुनील जी खेड़वा इनके परिवार के सदस्य मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि ये शांति जी और आनंद जी हमारे उदयपुर के गौरव थे और इन ये शहादत हुई थी। इनकी जो मूर्ति अभी वर्तमान में हमने देखा कि पहले भी देखा, थोड़ी बहुत खंडित हो चुकी थी। हमने नगर निगम के माध्यम से इसको अच्छा बनाने का कार्य करने का बीड़ा उठाया था और मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि यह स्मारक एक तरह से लोगों के लिए आदर्श बने। नगर निगम इसके लिए तैयार है, निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर स्थान बनाकर जो भी संस्था इसको MOU के आधार पर अगर हर साल डेवलपमेंट करना चाहेगी, हम निश्चित रूप से देंगे। और मैं यही सोचता हूँ कि दोनों ही हमारे प्रेरणा, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने और इसीलिए आज उनको तहे दिल से तहे मन से मैं राजनीतिक, जैसा भी पंकज जी ने कहा ना, राजनीतिक दृष्टि से ऊपर उठकर, शहीद कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं होता है, शहीद तो शहीद होता है, इसलिए आज यहाँ पर दोनों की शहादत का दिन है, उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हुआ मेरी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उदयपुर में एक तरफ तो जहाँ कुछ रक्तवीर गरीबों को आधी रात को रक्त उपलब्ध कराने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर शहर में खून के दलालों का भी गिरोह सक्रिय है और इसका पर्दाफाश रविवार को रक्तदाता युवा वाहिनी के रक्तवीरों ने किया। संभाग के सबसे बड़े महाराणा भोपाल चिकित्सालय के सामने बने श्रीनाथ प्लाजा में शुप्रा टेक लैब के एक कर्मचारी को रक्तदाता युवा वाहिनी के सदस्यों ने खून बेचते रंगे हाथ पकड़ा था। इस पूरी खबर को उदयपुर न्यूज ने रविवार को दिखाया था। इसके लोकमित्र ब्लड बैंक में काम करने वाले उदयलाल ने खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपने भाई पंचीलाल को ही आरोपी बताया। उसने कहा कि किसी से भी जांच करवा लो, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, सारी गलती उसके भाई ने की है, जिसकी सजा वह भुगतेगा। जो कि लोकमित्र ब्लड बैंक में कार्यरत हूँ, कल जो रक्त की खरीद फरोख्त हुई थी उसका मामला सामने आया, उसमें शामिल मेरा भाई बंसीलाल डांगी जो दोषी पाया गया। उसने ब्लड 1 यूनिट लिया था कल परसों, तब वो डोनेट करके गया और लिया। कल जो डोनेट 2 यूनिट लेके गया था, तब उसने कहा कि शाम को डोनर आ रहे हैं, शाम को डोनर आए। उसके बाद उसकी क्या बात हुई, किससे हुई, किससे पैसों की लेन देन हुई, उक्त मामले में मुझे कोई पता नहीं। उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है। उक्त मामले में मेरी किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं है, पूर्णतया मैं निर्दोष हूँ। उक्त मामले में मेरी और मेरे लोकमित्र ब्लड बैंक की भूमिका किसी भी एजेंसी से जांच कराई जाए, इसमें मेरा जान में पूरा सहयोग रहेगा। उदयपुर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर चलते ट्रोले में आग लगने से सनसनी फैल गई। पूरा ट्रोला कपड़ों से भरा हुआ था जो गुजरात से उदयपुर की तरफ आ रहा था। अचानक लगी आग के कारणों का पता तो नहीं चला, लेकिन पूरा ट्रोला और उसमें भरा लाखों का माल कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया। गनीमत तो यह रही कि हादसा होते ही ड्राइवर और खलासी बाहर निकल आए, वरना जनहानि भी हो सकती थी। चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला क्षेत्र में द्वारिका नगरी के नाम से पहचान रखने वाले गांव किशन करेरी में 9 अप्रैल से रामकथा व श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। कथा सुबह व शाम को चलेगी, जिसमें प्रखर वक्ता साध्वी सरस्वती के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा एवं मातृ भक्त पंडित धनराज जोशी रामकथा का रसपान करवाएंगे। आयोजन के तहत 9 अप्रैल को डूंगला कस्बे से साध्वी सरस्वती को भव्य शोभा यात्रा के साथ किशन करेरी ले जाया जाएगा, जहां कलश यात्रा के साथ श्रीमद् भागवत कथा आरंभ होगी। प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक श्रीमद् भागवत कथा एवं सायं 8 बजे से रात्रि 11 बजे तक राम कथा का आयोजन होगा। 16 अप्रैल को आयोजन संपन्न होगा। द्वारिकाधीश मंदिर मंडल, ग्रीन अर्थ नेचुरल सोसाइटी एवं ग्रामवासियों के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस श्रीमद् भागवत कथा एवं राम कथा को लेकर कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए ग्रामीणों द्वारा तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बुढ़ापे की लाठी समझकर जिस भतीजे को गोद लिया, उसने ही हड़प लिया सब कुछ। शहर के अति रसूखदार कन्हैयालाल ताया की दर्द भरी कहानी ने किए रोंगटे खड़े। द
गर्भपुत्री बनी आखिरी सहारा। इस बार उम्मीदवार थोपा तो आका का भी निकाल देंगे जनाजा। उदयलाल डांगी के खिलाफ लामबंद हुए बल्लभनगर भाजपा के बाकी दावेदार, इशारों इशारों में भाई साहब पर कसे जमकर तंज। सहाड़ा उपचुनाव ने छीना भाजपा का सुख चैन, प्रभारी का ऑडियो वायरल होने के बाद खूब हुई किरकिरी। चिकित्सा विभाग ने पीतलिया के घर के बाहर चस्पा किया होम क्वारंटाइन रहने का नोटिस। और जिला परिषद की पहली बैठक में ही मीडिया को रखा गया दूर, गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती और जिला परिषद सदस्य कामिनी गुर्जर में हुई तीखी नोकझोंक। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।